मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिवम पांडे। चलिए आज आया हूँ मैं बात करने। अभी आपने सुना होगा रीसेंट डेवलपमेंट की बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन कर दिया गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल है कि किस तरीके से उनके परसेंटेज बनाए जाएंगे और किस तरीके से एग्रीगेट उन्हें दिया जाएगा। तो उसका एक तरीका CBSE ने निकाला है कि आपका 11th 12th की जो आपको इंटरनल मार्क्स मिला है उसी के असेसमेंट में हम आपको पास कर देंगे और आपकी परसेंटेज बना देंगे, उसी के ओवरऑल आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और बच्चों के पास एक ऑप्शन भी दिया जाएगा कि आप अगर आप चाहते हैं तो आपका अलग से एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएंगे और आप दीजिए और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी था कि हम अपनी जान को बचाएं, अपनी लाइफ को सेव करें इस टाइम पे, ना कि हम पागलों की तरह एग्ज़ाम के पीछे जाएं। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ ज़्यादा मैटर करती है। अगर किसी स्टूडेंट के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती तो ओवरऑल गवर्नमेंट और बाकी हमें भी बुरा लगता, जो हम नहीं चाहते थे। देखिए, हम एग्रीगेट मार्क्स देके हम कॉलेज में एंट्रेंस बेस के थ्रू करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसमें हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन पेंडेमिक के टाइम पर हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को चेंजेस करने पड़ता है, तो हम उसको कर सकते हैं। सो बुरा तो लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन देखिए जान है तो जहान है, मेरा यही मानना है। सो जो भी गवर्नमेंट ने फैसला लिया वो बेस्ट लिया और सभी स्टूडेंट के बारे में सोचते हुए लिया, तो बहुत ही अच्छा था। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अब तो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब नीट JEE इन सारे एग्ज़ाम की आप तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए।